इंटरनेशनल न्यूज ला रहे हैं हम आपको लेबनान के कैपिटल बेरूत से, जहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। शुरुआत में जब हम ये न्यूज़ बना रहे थे, एक्सप्लोजन का रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि एक टेरर अटैक है या फिर ऐसा ही कोई एक्सप्लोजन। लेकिन अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है इंटरनल सिक्योरिटी बेरूत की तरफ से, जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी चीफ कह रहे हैं कि जो एरिया जहां पर ये धमाका हुआ है वो एक पोर्ट एरिया है जहां पर हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा जाता है। यानी यहां पर कोई एक्सप्लोसिव बम्स वगैरह नहीं रखे जाते हैं बल्कि एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा जाता है, जैसे कि फायर क्रैकर्स रहने दो या फिर ऐसा कोई चीज़ जहाँ जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है। फॉर सम रीज़न ये एक्सप्लोजन बहुत ही मैसिव रहा और सोशल मीडिया यूजर्स ने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए जिसमें से आप देख सकते हैं। ये वीडियो रूटर्स पे पहले बाहर आया जहां पर एक सोशल मीडिया यूज़र ने इसको कैप्चर किया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ इस एक्सप्लोजन से। ऐसे बहुत कम एक्सप्लोजन होते हैं जो कि लाइव रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं उस एक्सप्लोजन की वजह से एक शॉक वेव पैदा हुई जिसकी वजह से कई डिस्टेंस तक लोगों के घर, बालकोनीज और ग्लासेस टूटते गए। लोगों की बात माने तो ऐसी चीज़ उन्होंने कभी नहीं देखी और ऐसी आवाज़ उन्होंने अब तक नहीं सुनी थी। ये बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था जिसमें अब तक 10 लोगों की मरने की खबर आ रही है और कई सारे लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। बने रहिए गोहैश के साथ, जहां पर हम आपको ये सारे डिटेल्स दिखाते रहेंगे।